हमीरपुर में आज नगर पालिका कर्मियों ने आम जन को जागरूक करने के लिए रैली निकाली है। नगर पालिका से शुरू हुई यह रैली नगर भ्रमण करती हुई वापस नगर पालिका में समाप्त हुई। इस दौरान कर्मियों ने लोगों को समझाया कि घर से निकलने वाले कूड़े को इधर उधर ना फेंके बल्कि कूड़ेदान में ही रखे और जब रोज नगर पालिका की कूड़ा गाड़ी आए तो उसमें ही डाले। हमीरपुर मुख्यालय को साफ और स्वच्छ रखने के लिए निकाली गई रैली में नगर पालिका कर्मियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने कूड़ा गाड़ी पर लगे स्पीकरों के माध्यम से दरवाजे दरवाजे जाकर लोगों को गीला कूड़ा और सूखे कूड़े को अलग अलग रखने और कूड़ा गाड़ी आने पर उसी में कूड़ा डालने की सलाह दी। यह रैली नगर पालिका से शुरू हुई और नगर का भ्रमण करते हुए नगर पालिका में समाप्त हुई। प्रायः यह देखा जाता है कि लोग घरों का कूड़ा निकालकर सड़क पर या नालियों में फेंक देते हैं, जिसको जानवर फैलाकर पूरे गली मोहल्ले में बिखेर देते हैं। साथ ही नालियों के जाम होने की भी समस्या हो जाती है। रैली के साथ चल रहे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने कहा कि आज की रैली का मकसद लोगों को जागरूक करना था। इस दौरान लोगों को समझाया गया कि कूड़े को इधर उधर ना फेंके बल्कि नगर पालिका की कूड़ा गाड़ी आने पर सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग उसमें डाले ताकि हमारा गली मोहल्ला स्वच्छ बना रहे। जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आम जनमानस में ये कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग सेग्रीगेटेड वे में दे और डोर टू डोर प्रॉपर कलेक्शन हो उसकी जागरूकता के संबंध में जब हमारी गाड़ियां मोहल्लों में जाएं तो उन्हीं में ही लोग कूड़ा अपना डालें घरों का, इससे इधर उधर न फेंकें उसको ताकि शहर स्वच्छ बनाया जा सके।